आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को CET के रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ऐसे ही कुछ बात कर रहा हूँ जो कि अपने फील्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज में विवा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में कल होने वाला है स्केचिंग हब कॉम्पिटिशन, ठीक है। स्केचिंग हब कॉम्पिटिशन मतलब छोड़ो, उस में जब मैं कोशिश करूँगा मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की, एंड कई सारी चीज़ें चल रही है कॉलेज में, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं, बट नहीं हो पाता मुझसे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कल, अगर पॉसिबल हुआ तो उसके लिए वेट करना, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो स्टेट आर्ट कॉम्पिटिशन जो होता है, ठीक है, सॉरी स्टेट आर्ट एग्जीबिशन जो होता है हर साल, उसके लिए गवर्नमेंट एंट्रीज लेती है, ठीक है। एंड सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी के एंड प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग, मतलब आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट जितने भी चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब लोग अपनी अपनी एंट्रीज भेजते हैं। जो आर्ट टीचर डिप्लोमा कर रहे हैं या फाउंडेशन कर रहे हैं या जितने भी लोग एक बोलते ना एक ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हैं या इस चीज़ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है, फॉर्मली, ठीक है, मतलब किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से या किसी भी कॉलेज से या आर्ट कॉलेज से, ठीक है, तो जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है, रिलेटेड, या जो नहीं है उनके लिए प्रोफेशनल कैटेगरी से शायद से वो एंट्रीज सेंड कर सकते, ठीक है। बट हम उतना चीज़ों में नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने उतना अभी उसके ऊपर रिसर्च जो भी बोलते हैं उतना नहीं किया है, तो मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ नेक्स्ट ईयर तक मे भी शायद से मुझे अच्छे से पता चल जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट कैटेगरी में अब मैं विवा कॉलेज से हूँ, ठीक है, तो हमें क्या किया गया है, हमें लिंक दिया था और हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है ताकि हमें एंट्रीज कैसे सेंड करना है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने कॉलेज किसी कॉलेज से हो, चाहे वो आप रचना से हो, जेजे से हो, या किसी भी ऐसे कॉलेज से हो, ठीक है, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, एंड आप बीएफए कर रहे हो, ठीक है, अप्लाइड में कर रहे हो, मेटल वर्क में कर रहे हो, स्कल्पचर में कर रहे हो, पेंटिंग में कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, तो आपको भी बोला गया रहेगा कॉलेज की तरफ से कि प्लीज़ एंट्रीज भेजो, ठीक है। तो स्टूडेंट कैटेगरी में जाना है आपको, अगर नहीं पता आप लोग को, मैं उनके लिए वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ जिनको नहीं पता, जिन्हें आइडिया नहीं है एंड वो कन्फ्यूज़ है थोड़े से, ठीक है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिनको सब कुछ पता है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, प्लीज़ वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट कैटेगरी में जाना है, पहले तो देखो लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करना है एंड एंट्रीज, देखो वीडियो यही है कि एंट्रीज आपको भेजना कैसे, ठीक है, जो भी मैंने बातें बोली उसको साइड में रखो, आप एंट्रीज भेजना कैसे, ये टॉपिक है अपने वीडियो का, ठीक है। तो पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको स्टेट आर्ट एग्जीबिशन का एक कॉर्नर में ना आपको ऐसे नेशनल एम्बलम के नीचे डाउनलोड्स एंड उसके बाजू में ना स्टेट आर्ट एग्जीबिशन का लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी एंड प्रोफेशनल कैटेगरी का दो चीज़ दिख रहा होगा, तो आपको उसमें फर्स्ट वन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टूडेंट एग्जीबिशन ई रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऊपर ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन आएगा। देखो मैंने वेब पेज को किया है कन्वर्ट इंग्लिश में, तो मेरे सामने चीज़ें इंग्लिश में आ रही है, बट आपके सामने वो चीज़ें मराठी में आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपके सामने कुछ एक नया वेब पेज खुलेगा, ठीक है, मतलब पॉपअप होकर नया वेब पेज खुलेगा, उसमें सब आपको जाना है विद्यार्थी विभाग पे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड फिर उसके बाद आपके सामने कुछ दूसरा वेब पेज खुलेगा, ठीक है, उसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको लॉगिन के लिए कॉलेज ने यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं प्रोवाइड किया है, या आपके कॉलेज में अलग कुछ रहेगा सिस्टम, कॉलेज वाले खुद एंट्री सेंड कर रहेंगे, मुझे नहीं पता, बट हमारे कॉलेज में ऐसा था कि हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है सभी स्टूडेंट्स को एंड वो लॉगिन करके अपनी अपनी एंट्री सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का मुझे नहीं पता क्योंकि हम नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट लॉगिन एंड उसका बताया गया है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन का भी कुछ भी है तो वहाँ पे भी आप जाके देख लो, अपने कॉलेज वाले लोगों से कंफर्म कर लो, मतलब प्रोफेसर से या फैकल्टी से कि कैसे ये चीज़ें करना है, ठीक है। बट लॉगिन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको फिर यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ दूसरा वेब पेज खुलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग से हो, स्कल्पचर से हो, अप्लाइड आर्ट से हो, आर्ट्स टीचर डिप्लोमा
मेटल वर्क, सिरामिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल एंड फाउंडेशन आर्ट, ऐसा कुछ रहेगा आपको। तो मैं अप्लाइड आर्ट कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है। तो मैं अप्लाइड आर्ट पे क्लिक करूँगा एंड फिर उसके बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा सा ऐसे लिखने विकने वाला ऐसा कुछ तो आएगा। उस पर आपको यूज़र नेम, सॉरी सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, ये सब आएगा एंड उसमें अलग अलग चीज़ें आपको भरना है। एंड आपको जो भी आपका वर्ड है, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी आपका आर्टवर्क है या जो भी है, मैं फ़ोटोग्राफी सबमिशन दे रहा हूँ, मेरा फ़ोटोग्राफी का सबमिशन दे रहा हूँ, तो मैं फ़ोटोग्राफी का सबमिशन जो भी है मेरा, वहाँ पे आपको टाइटल देना है वर्क को कुछ, अगर टाइटल है नहीं है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो सब ये इसकी ज़िम्मेदारी आपको, ये जो वेब पेज जो अभी खुलेगा, ठीक है, लास्ट वाला, इसमें आपको खुद से आपको अपना देखना है, ठीक है। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बताने वाला, मेरे पास अभी फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है उतना कवर करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कुछ आपको सबमिशन करना है एंड मुझे बस यही क्लियर करना था कि ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है। अगर कभी कभी क्या होता है, साइट नहीं चल रही रहती तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होता है कभी कभी, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो, ठीक है। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, उसकी न्यू PDF 28 को रिलीज़ की गई थी, ठीक है, ऑफिशियली इनके वेबसाइट पे ही, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो जो डेट 30 को था फाइनल डेट, वो अब एक्सटेंड हो चुका है, वो मैंने बताऊंगा, वो आप PDF में जाके पढ़ लो, ठीक है। PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऐसे चैनल पर जुड़े रहो एंड कुछ भी डाउट रहता है आप लोग को, प्लीज़ मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर नहीं दिया लेगा रिप्लाई तो मे बी मैं उस क्वेश्चन के बारे में अभी भी सोच रहा रहूँगा, बट मैं रिप्लाई कर दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और CET का कुछ अभी अपडेट नहीं है 2023 का, बाकी टेंशन मत लो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो कि मैंने या बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं की। हमें लगा कि ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो क्या ही रहेगा इतना, तो हम तो अपने कॉलेज स्कूल के बेस्ट थे, हमें तो क्या ही कॉम्पिटिशन रहेगा, बट ठीक है, रियलाइज़ होगा तुम्हें उस चीज़ के बारे में जब तुम CET देने बैठोगे, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पे ध्यान दो एंड ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहो चैनल से, कुछ भी रहेगा डाउट तो पूछ सकते हो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।